नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन पाटिल, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, एनआईवी स्पेशलिस्ट, इंदिरा आईवीएफ रीवा सेंटर में कार्यरत हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉक फिलोपियन ट्यूब्स एंड ट्रीटमेंट। आज हम ये जानेंगे कि फिलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं, इनका क्या काम होता है, इनके ब्लॉकेज होने का रीजन क्या है और इनका इलाज क्या है। तो गर्भाशय के दोनों तरफ दो पतली नली होती हैं, जिनका एक हिस्सा गर्भाशय से जुड़ा होता है, दूसरा हिस्सा ओवरी यानी अंडाशय इसकी तरफ झुका होता है, जिसे हम फिलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। तो जब कोई कपल संबंध रखते हैं तो शुक्राणु गर्भाशय से होते हुए ट्यूब्स में आते हैं और एक अंडा और एक शुक्राणु ट्यूब्स में मिलते हैं और भ्रूण बनाते हैं। तो ये भ्रूण बनने का काम सिर्फ और सिर्फ ट्यूब में होता है, जो कि प्रेगनेंसी का पहला स्टेप है। तो फिर ये भ्रूण 3 से 4 दिन में नली से होते हुए गर्भाशय में आता है और गर्भाशय की परत से चिपक जाता है और ये भ्रूण 9 महीने तक धीरे धीरे बच्चे के रूप में बड़ा होता है और नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन द्वारा डिलीवरी होती है, इस तरह से बच्चा होता है। पर अगर किसी महिला की इन नलियों में कोई रुकावट हो या किसी भी तरह से कोई ब्लॉकेज हो तो जाहिर सी बात है एक अंडा और शुक्राणु जो कि ट्यूब्स में यानी कि नली में मिलते हैं, भ्रूण बनाते हैं, यह प्रक्रिया, ये प्रोसेस पूरी नहीं होगी और बच्चा नहीं होगा। तो ब्लॉक ट्यूब यानी कि बंद नली, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण कारण है निसंतानता का। तो अब बात करेंगे कि बंद नलियों के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें इन्फेक्शन की, कि इन्फेक्शन बंद नलियों का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है। इन्फेक्शन का मतलब यहाँ पर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से है, जिसमें महिला को बार बार सफेद पानी की समस्या होती है, ईचिंग होती है, इरिटेशन रहती है, रेडनेस, पेन रहता है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस गर्भाशय की टीबी। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे भारत देश में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी बहुत ही कॉमन बीमारी है और जिसका सही समय पर प्रॉपर इलाज ना मिले तो महिलाओं की दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। इसके अलावा एसटीडी या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एंड्रोमेट्रियोसिस, या फिर किसी महिला की पहले कोई सर्जरी हुई हो उसकी वजह से ट्यूब्स या नली बंद हो जाती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनके वजह से नलियां बंद हो जाती हैं। तो आप कैसे पता लगाया जाए कि किसी महिला की दोनों नलियां बंद हो गई हैं? तो सबसे बेसिक टेस्ट होता है इसके लिए HSG, हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी, जिसमें महिला की महावारी की 7वें से 10वें दिन में एक्सरे की जाती है, बच्चेदानी का एक्सरे होता है जिसमें बच्चेदानी के अंदर डाई डाल के उसकी दोनों ट्यूब्स देखा जाता है कि दोनों ट्यूब्स खुली हैं या कि नहीं। इसके अलावा और दूसरा टेस्ट होता है सोनोसाल्पिंगोग्राफी और एक तीसरा टेस्ट जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेप्रोस्कोपी, जिसमें दूरबीन से हम दोनों नलियों और यूट्रस इसको देखते हैं कि किसी भी प्रकार का कहीं पर भी नली में कोई ब्लॉकेज या कोई इन्फेक्शन हो, वो सारी चीज़ें लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन से हम देख लेते हैं। तो ऐसी महिलाएं जिनकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, दोनों ट्यूब्स बंद हैं, तो उनके लिए टेस्ट बेबी प्रक्रिया, टेस्ट बेबी इलाज किसी वरदान से कम नहीं है, जिसमें हम महिलाओं की दोनों ट्यूब्स जो कि बंद होती हैं उनको बाईपास कर देते हैं और महिला की ओवरी से डायरेक्ट एग्स को बाहर निकालकर शुक्राणु से मिलाकर भ्रूण तैयार करते हैं और उसको महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो हमने क्या किया, जो काम ट्यूब में नहीं हो पा रहा था, मतलब एक एग और एक शुक्राणु नहीं मिल पा रहा था, उसे हमने बाहर मिलाया, भ्रूण बनाया और उसे महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया। तो ऐसे दंपत्ति, ऐसे कपल्स जो निसंतानता का सामना कर रहे हैं, वो भी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया से
संतान सुख प्राप्ति कर सकते हैं। तो निराश ना हो, परेशान ना हो, आपके मातृत्व का सपना जरूर पूरा होगा, जिसके लिए एक हाथ आप बढ़ाएं, एक हाथ हम बढ़ाएंगे और आपका अधूरा परिवार पूरा हम कर दिखाएंगे। नमस्कार।